नमस्कार, आप देख रहे हैं दसुगम। जी हाँ, राजस्थान में बदल जाएंगे 1 अक्टूबर से 10 नियम होंगे, 10 बड़े बदलाव। बता दें कि 1 अक्टूबर से कुछ नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा। बता दें कि राजस्थान में 10 बड़े बदलाव और नियमों में संशोधन होने जा रहा है। सितंबर का महीना खत्म होने को है, आज के बाद यानी 1 अक्टूबर से हम नए महीने में प्रवेश कर पाएंगे। ऐसे में अगले महीने इस महीने में होने वाले नियमों के बदलाव के बारे में जानना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, जो आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाले हैं। एलपीजी की कीमत, क्रेडिट कार्ड जैसे कुछ काम की चीज़ों के नियम में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। 1 तारीख से लागू होने वाले नियमों के बारे में हम आपको एक एक करके 10 नियमों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला बड़ा बदलाव एलपीजी की कीमत में होगा। ऑयल कंपनियां एलपीजी का मूल्यांकन महीने की 1 तारीख को करती हैं, जिसके बाद कीमत में बदलाव भी यही करती हैं। 1 तारीख को घरेलू या कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनियाँ इनमें बदलाव करें। दूसरा बड़ा बदलाव होने जा रहा है, सीएनजी और पीएनजी की कीमत में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। अगला बदलाव क्रेडिट कार्ड पर होगा सीधा असर। अगर आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो 1 अक्टूबर से आप पर भी असर पड़ सकता है। दरअसल HDFC बैंक ने अपने कुछ क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया है। बैंक ने स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म पर एप्पल प्रोडक्ट के रिवार्ड पॉइंट के रिडम पर्सन को 1 प्रोडक्ट पर हर कैलेंडर तिमाही तक सीमित कर दिया है। नए नियम 1 अक्टूबर से आज लागू हो गए हैं। बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना के नियम में होगा बदलाव। 1 अक्टूबर से सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ बदलाव देखने को मिला। इस दिन से बेटियों का अकाउंट सिर्फ कानूनी अभिभावक ही संचालित करने में सक्षम होंगे। यदि बच्ची का अकाउंट ऐसे शख्स द्वारा खोला गया है जो उसका कानूनी अभिभावक नहीं है, तो उसे 1 अक्टूबर से इस अकाउंट को बच्ची के माता पिता या कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो अकाउंट बंद हो जाएगा। राजस्थान में इस प्रकार कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। एक एक करके हम नियमों पर नजर डालते हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि राजस्थान के किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम लिखकर जरूर भेजें। साथ ही आपको बता दें कि एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जिन्होंने 30 तक AKYC नहीं कराई उन्हें अगले माह का गेहूं नहीं मिलेगा। 31 अक्टूबर के बाद नाम हटेंगे। बता दें कि राशन गेहूं के संकट पर रसद विभाग के मार्फत संचालित सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 30 सितंबर तक AKYC नहीं कराने वाले पात्र लाभार्थियों को अगले महीने यानी इस महीने अक्टूबर महीने का गेहूं नहीं मिलेगा। 31 अक्टूबर तक भी KYC नहीं करवाई तो वंचित चयनित लाभार्थियों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटाए जाएंगे। साथ ही अगला बड़ा बदलाव, राजस्थान में ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर नवंबर महीने से 2 और वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू किया जा रहा है, जो यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे संचालन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, चाहे वो सामान्य ट्रेन हो या फिर टूरिस्ट या धार्मिक स्थलों की ट्रेन क्यों ना हो। राजस्थान में ट्रेनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अब भारतीय रेलवे ने अक्टूबर महीने से 2 और वंदे भारत ट्रेनों का संचालन शुरू करने की घोषणा की है, जो यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। ये कदम राजस्थान के यात्रियों के लिए बड़ी रात होगी और उनकी यात्रा को और भी सुगम बनाएगा। बता दें कि जल्द ही राजस्थान से 2 और नई वंदे भारत ट्रेन शुरू होंगी, जो आपको बता दें कि सीधे दिल्ली जोधपुर दिल्ली से वाया जयपुर, दूसरी बीकानेर दिल्ली वाया शुरू चलेगी। जोधपुर दिल्ली के बीच वाया जयपुर वंदे भारत शुरू होने से ये जयपुर से गुजरने वाली 3री वंदे भारत ट्रेन होगी। अभी राजस्थान में पहले से ही जयपुर उदयपुर, जयपुर अजमेर दिल्ली, अजमेर वाया जयपुर, भगत की कोठी साबरमती, भगत की कोठी उदयपुर आगरा, कैंट उदयपुर वंदे भारत ट्रेन संचालित हो रही है। अब नवंबर महीने से राजस्थान में 2 और वंदे भारत पटरी पर दौड़ेगी, जिससे राजस्थान में वंदे भारत ट्रेनों की कुल संख्या 5 हो जाएगी। अगला बड़ा नियम, 1 अक्टूबर से ट्राई का नया नियम आ रहा है। एयरटेल, BSNL, जियो, वोडाफोन यूजर्स ध्यान दें, गलती पर भारी जुर्माना लगेगा। ट्राई के न्यू रूल्स में आपको बता दें कि दूरसंचार नियामक 1 अक्टूबर से नया नियम लागू करने वाला है। ये नियम टेलीकॉम ऑपरेटर्स के सर्विस क्वालिटी सुधारने के लिए लाया जाएगा। नियमों के उल्लंघन होने पर भारी जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। टेलीकॉम कंपनियों को 1 अक्टूबर तक अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करने की डेडलाइन दी गई है। इसके लिए दूरसंचार नियामक ने पिछले महीने 21 अगस्त को सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग में इनपुट दर्ज करने की डेडलाइन 27 अगस्त रखी थी। अगला नियमों में बड़ा संशोधन होने जा रहा है। राजस्थान के इन परिवारों को मिलेगा 300 वर्ग मीटर का फ्री प्लॉट। 2 अक्टूबर को CM बजेलाज सौंपेंगे पट्टे। अक्टूबर महीने के अंदर राजस्थान में आपको बता दें कि आम लोगों को बड़ा राहत देने जा रहा है। जिनके पास घर नहीं है उनको घर मिलने जा रहा है। अक्टूबर महीने में घर मिलेंगे। राजस्थान में विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति के 37,000
परिवारों को चिन्हित किया गया है जिन्हें 2 अक्टूबर को बझिला सरकार पट्टे दिए जाएंगे। हालांकि सिनीकरण का कार्य अभी तक जारी है। प्रदेश में पूरी जनसंख्या के 6-8% विमुत घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति के लोग हैं। उन्हें लोग एक जगह पर जो निवास नहीं करते, अधिकांश के पास पहचान पत्र भी नहीं है, इसलिए इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इनके उत्थान के लिए राजस्थान सरकार सभी 32 जातियों के व्यक्तियों को 2 अक्टूबर तक निःशुल्क भूखंड उपलब्ध करवाएंगी ताकि ऐसे गरीब लोगों को भी अपना आशियाना बनाने का मौका मिल सके। सरकार की मंशा है कि इन जातियों की पूर्व में बहुत उपेक्षा हुई है। ये हमारे प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जातियां हैं। देश की आज़ादी में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने क्रांतिकारियों का भी सहयोग किया है। अगला बड़ा बदलाव, गौशालाओं के अनुदान में 10% की वृद्धि की गई है। राज्य सरकार ने पंजीकृत गौशालाओं के गोवंश के अनुदान में 10% की वृद्धि का फैसला किया है। ये वृद्धि अक्टूबर महीने से लागू होगी। राज्य सरकार गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन के कटिबद्ध है और इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। 1 अक्टूबर से बढ़ने वाली अनुदान राशि के तहत बड़े गोवंश के लिए 40 रुपये के स्थान पर अब 44 रुपये और छोटे गोवंश के लिए 20 रुपये के स्थान पर 22 रुपये का अनुदान प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। अगला बड़ा बदलाव, सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी, 1 अक्टूबर से फैसला होगा लागू। जीवन यापन की बढ़ती लागत के बीच केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। उसने निर्माण, खनन और कृषि जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की जो घोषणा की है, ये बढ़ोतरी 1 अक्टूबर से लागू होगी। इस बारे में सरकार ने पिछले दिनों को ऐलान किया था। अब ये नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होगी। संशोधन के बाद क्षेत्र में निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को 783 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे, यानी महीने में 20,358 रुपये। अर्ध कुशल जो श्रमिक हैं उन्हें 868 रुपये प्रतिदिन और इसके अलावा जो चौकीदार या प्रहरी के लिए प्रतिदिन उन्हें 954 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अगला बड़ा नियम, अक्टूबर से आपको बता दें कि एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दिवाली से पहले मोदी सरकार बड़ा गिफ्ट देने जा रही है। कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पिछले कुछ दिनों में तेल की कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखी गई है। कच्चे तेल में नरमी को देखते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की जा सकती है। मार्च से अब तक कच्चे तेल में $10 प्रति बैरल की नरमी देखी जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि बड़ी कटौती हो सकती है। मोदी सरकार जल्दी आम आदमी को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। माना जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अक्टूबर महीने में जल्दी कटौती हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी नरमी देखी जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो लोगों के लिए बड़ी राहत होगी। रेटिंग एजेंसी ICARA के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दाम 2-3 रुपये तक कम हो सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान में कुल 10 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन नियमों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या जो हमने नियम बताए हैं आपको इनमें से कौन सा नियम सबसे अच्छा और पसंद आया है? कमेंट सेक्शन में हमने उस नियम को लेकर जरूर भेजें। साथ ही मिलते हैं बड़ी रिपोर्ट कार्ड के साथ।